अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, होप यू आर सुपर डुपर फाइन। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बहुत ही रिफ्रेशिंग सा ड्रिंक बनाने लगी हूँ जो हमारी सेहत के लिए बहुत ही मुफीद है। जैसा कि आपको पता है कि मेलन का सीज़न चल रहा है, तो मैंने सोचा क्यों ना मेलन का मिल्क शेक बनाया जाए। आप इसको मेलन का मिल्क शेक कह सकते हैं या मेलन फलूदा कह सकते हैं। तो बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं। एक अदद पैन में मैंने पानी ऐड करके इसको बॉईल कर लिया था, तो अब मैं इसमें 1.5 चम्मच साबूदाना का ऐड कर रही हूँ। इसको सागू भी कह सकते हैं। तो जब तक इसका कलर ट्रांसपेरेंट नहीं होता तब तक हमें वेट करना पड़ेगा। तो जब तक ये बॉईल होता तब तक मैं कस्टर्ड तैयार कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक अदद पैन और ले लिया है, इसमें 1/2 लीटर में दूध ऐड कर रही हूँ। इसको भी बॉईल होने के लिए रख देते हैं, तब तक मैं दूसरा काम कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने 1 चम्मच वेनिला कस्टर्ड पाउडर लिया है, आप कोई भी कस्टर्ड पाउडर ले सकते हैं। वेनिला का फ्लेवर बहुत मज़े का होता है, बिल्कुल फालूदे वाला टेस्ट आएगा आपको। तो साथ ही मैंने यहाँ पर नीम गर्म दूध ऐड कर दिया है, आप दूध की जगह पानी भी ऐड कर सकते हैं। तो बस मैं जल्दी से इसको मिक्स कर लेती हूँ। तो जी यहाँ पे देखिए दूध भी बॉयल हो चुका है। अब मज़ीद इसके फ्लेवर में इजाफा करने के लिए मैं 3 से 4 पीसेस बर्फ़ी की ऐड कर रही हूँ। बर्फ़ी की जगह आप कंडेंस मिल्क ऐड कर सकते हैं। अच्छा जी, बर्फ़ी को मैंने छोटे छोटे पीसेस में कर लिया था ताकि ये जल्दी से हल हो जाए दूध में। थोड़ी देर वेट करते हैं ताकि बर्फ़ी अच्छे से मिक्स हो जाए। तो जी बर्फ़ी हमारी अच्छे से मिक्स हो चुकी है। अब जो मैंने कस्टर्ड घोल के रखा था ना, वो ऐड कर दिया है इसमें। और मैंने आपको पहले भी ये एक टिप बताई थी, अब भी मैं आपको बताती हूँ कि जब भी आप कस्टर्ड ऐड करते हैं ना, अगर गलती से आपके लम्स बन जाते हैं तो आप हैंड बीटर यूज़ करें। हैंड बीटर से बिल्कुल भी कोई लम्स बाकी नहीं रहेगा। तो हमारा कस्टर्ड तैयार हो गया, थोड़ी देर हम इसको पकाते हैं। और यहाँ पे देखिए हमारा साबूदाना तैयार हो गया है। इसको मैं स्टैंडर से स्टैंड कर लेती हूँ, इसका जितना भी स्टार्च होगा ना वो सारा निकल जाएगा। थोड़ा सा टैप वाटर यूज़ कर रही हूँ ताकि ये चिपके ना। तो जी अब इसको हमने जो कस्टर्ड बनाया था उसमें ऐड कर देते हैं और अच्छे से इसको मिक्स कर देते हैं। फ्लेम को करते हैं ऑफ और इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं, क्योंकि ये ठंडा होने के बाद मज़ीद ठीक हो जाएगा। तब तक मैं मेलन कट कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने 1 अदद खरबूजा लिया है और 1 खरबूजे का भी मुझे 1/2 पार्ट चाहिए सिर्फ। तो इसके बीज वगैरह निकाल लेते हैं और इसको स्लाइसिस में कट कर लेते हैं। अच्छा, अगर आपका खरबूजा मीठा नहीं निकला, फीका है, तो कोई बात नहीं, कवर हो जाएगा, क्योंकि हमें लाजमी नहीं है कि मीठा ही खरबूजा चाहिए। इसका छिलका उतार के मैं इसको कट कर लेती हूँ। जैसा आपको आसान लगता है ना, आप वैसे कट कर लें। 3 टेबलस्पून चीनी ऐड कर रही हूँ। चीनी आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड करें। अगर आपने कंडेंस मिल्क ऐड किया है ना कस्टर्ड में, तो चीनी फिर ना ऐड करें, क्योंकि कंडेंस मिल्क में काफ़ी मीठा होता है, तो आपको चीनी ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो मैंने थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया है इसमें। खरबूजे में ऑलरेडी पानी होता है, तो थोड़ा सा मैंने पानी इसलिए ऐड किया है कि मुझे बहुत ही थिक फॉर्म इसकी नहीं चाहिए, क्योंकि कस्टर्ड ऑलरेडी थिक है और यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता सारी चीज़ें मैं जग में ऐड करती जाऊँगी। यहाँ पे मैं चिया सीड्स ऐड कर रही हूँ। इनको मैंने आधा घंटा पहले सोक करके रख दिया था। अब है मेलन पल्प की बारी। अब सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। थोड़े से आइस क्यूब ऐड कर दिया और थोड़े से बादाम ऐड कर रही हूँ, आप पिस्ता भी ऐड कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आज का रिफ्रेशिंग सा ड्रिंक आपको पसंद आया होगा। कैच यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। टिल देन अल्लाह हाफिज़।